विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने बीडी बांडे कैंपस में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। परिसर की निदेशक डॉक्टर दीपा कुमारी, प्राचार्य डॉक्टर भगवती नेगी ने पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी छात्र छात्राओं से अधिक पौध लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण की अपील की। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार, NHUI के जिलाध्यक्ष कमलेश गड़िया, नमीश रावत, दीपांशु भट्ट आदि ने पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे। छात्रों ने कहा कि पौधरोपण ही ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में कामयाब होगा। साथियों, सर्वप्रथम सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NHUI द्वारा हमारे परिसर बागेश्वर में वृक्षारोपण किया गया। साथियों, मैं सभी साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। उन्होंने आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी को 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। और एक संकल्प लेते हुए मैं इस दिन को मनाना चाहता हूं, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे विश्व में रहते हैं, कि सब जने एक पेड़ लगाएं, जिससे हमारा विश्व की जो गर्मी एनवायरनमेंट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको कम करें, और जैसे कि तापमान दिल्ली जैसे महाक्षेत्रों में 60 पार पहुँच रहा है उसको कम करने का प्रयास करें। जैसा कि आज 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हमारे कैंपस बागेश्वर में NHUI द्वारा और परिसर के समस्त गुरुजनों द्वारा हमारे परिसर में वृक्षारोपण किया गया, और मैं आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और साथ ही साथ हम सबको इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संकल्पबद्ध होना पड़ेगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। एशिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।